100 रिमोट कंट्रोल मोटरबाइक। रांची नाम का एक गांव था। उस गांव में उदय नाम का एक इवेंट मैनेजर था। वो बाइक रेस, कार रेस वगैरह का आयोजन करता रहता था। एक दिन उदय और उसके दोस्त रवि दोनों बैठे थे कि वहां ऐसा ही आया, सुना है तुम दोनों चोर मिलकर कोई इवेंट प्लान कर रहे हो। ऐसा ही साहब, तमीज से बात कीजिए, चोर किसे कह रहे हैं? हम चोरी करते हुए आपने कभी देखा है? अरे कूल उदय, कूल। मैं तो यूं ही मजा कर रहा था। मेरा कहने का मतलब ये था भाई कि लोगों का एंटरटेनमेंट करने के लिए उनसे पैसे ऐंठने वाले चोर हो, पर यूं लोगों को एंटरटेन करने का अब तो मौका नहीं है ना, वो मौका मैं नहीं देने वाला। क्यों सर, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि तुमने कुछ भी नहीं किया। भाई तुम लोग लाखों रुपए कमा रहे हो तो कम से कम 1,00,000 रुपए तो मुझे दे सकते हो ना। अभी कोई बाइक मुझे गिफ्ट में दिया, इसलिए इस बार रेस का परमिशन मैं नहीं देने वाला, कहकर चला गया। तभी उदय का दोस्त वरुण वहां आया। यार एक गुड न्यूज है, अपना XMLA पटेल है ना, उसने कहा है कि इस बार वो रेस को स्पॉन्सर करेगा। तब उदय ने ऐसे से जो बात हुई वो उसे बताया। अरे वो ऐसे ही तो चोर है, पुलिस वाले भी उस कमीने को कोसते रहते हैं। तुम ये सब पटेल पर छोड़ो, पहले वहाँ चलते हैं, चलो। यूं वे सब मिलकर पटेल के पास गए और ऐसे से जो बात हुई वो सब उसे बताया। अरे वो ऐसे ही तो MLA का आदमी है, अगर उसे पता चला कि मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ तो और रोड़े डालेगा, और 3 महीनों में चुनाव होने वाला है। मेरे नाम का प्रचार हर गांव में होना चाहिए। मैं नहीं जानता कि तुम लोग क्या करोगे, पर ये रेस होना जरूर चाहिए, मुझे लोकप्रिय होना है, पैसे चाहे जितना ले लो। कहकर पटेल भी वहां से चला गया। रात को घर पर रवि, उदय और वरुण थे कि तभी उदय की बेटी श्रेया वहां आई। पापा आप हमेशा बड़े बाइक्स का ही रेस कराते हो, कभी हमारे ये छोटे छोटे रिमोट कंट्रोल वाले बाइक्स का भी रेस करा लो ना पापा। करेंगे बेटा, अब तुम जाओ, मैं जरा बिजी हूँ। अरे यार उदय, श्रेया ने कमाल का एक आइडिया दिया है, पटेल का भी काफी नाम होगा, हम ऐसे ही को भी सबक सिखाएंगे। हम 100 रिमोट कंट्रोल वाले बाइक्स खरीद कर उनका रेस कराते हैं, उनका जबरदस्त इंपैक्ट होगा, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यूं सब पटेल के पास गए और उसे इसकी जानकारी दी। अगले दिन गांव वालों से पटेल, हमारे प्यारे गांव वालों, मैं आप लोगों के लिए कुछ भी करना चाहूं तो वो MLA राजनीति को बीच में लाकर काम में अड़चन डालता रहता है, इसलिए मैं आज राजनीति करने नहीं आया हूं। इन बच्चों के लिए 100 रिमोट कंट्रोल मोटरबाइक का रेस कराने आया हूँ, आपकी मर्जी हो तो आइए, नहीं तो रहने दीजिए। तब सब लोग आएंगे, 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 कहकर चिल्लाने लगे। बच्चों ने भी ताली बजाई। अगले दिन उदय और उसके दोस्तों ने रिमोट कंट्रोल मोटरबाइक रेस का आयोजन किया। वहाँ बच्चों और उनके माँ बाप पहुँचे, बच्चे मजे से खेल रहे थे। तब श्रेया पटेल के पास आई और, अंकल जी थैंक यू, आपके वजह से यहाँ पर रिमोट कंट्रोल मोटर बाइक का रेस हो रहा है अंकल जी। योर वेलकम बेटा, वैसे तुम लोगों के लिए यही नहीं, ऐसे और कई रेस कराऊंगा, बहुत सारे खिलौने खरीद कर दूंगा आप लोगों के लिए। तब वहाँ SI MLA के साथ आया। थैंक्स बाद में कहना, इस रेस के लिए परमिशन नहीं है सर, फौरन इसे बंद कीजिए वरना उन रिमोट कंट्रोल बाइक्स के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तब वहाँ खड़े लोगों में से एक औरत, अच्छा हिम्मत हो तो करके दिखाओ, खिलौनों को हाथों लगा के दिखाओ, तब बताते हैं कि क्या होगा, तुम हमें समझते क्या हो, ये सब पटेल भाई साहब ने हमारे बच्चे के लिए आयोजन किया, ऊपर से ये स्कूल के मैदान में हो रहा है, इसके लिए परमिशन का क्या जरूरत है, तुम अगर एक पल भी यहाँ रुके हम सब औरतें मिलकर तुम्हारे और MLA का आरती उतार देंगे, सोच लो बेचारा बिना सिक्योरिटी का आया है। तब सब मिलकर MLA और SI को खूब मारा। तब दोनों वहां से भाग गए।
तब पटेल ने उदय और उसके दोस्तों को थैंक्स कहा। जायंट मनी अम्ब्रेला। एक गांव में दो दोस्त थे, उनका नाम था नायक और लायक। वो दोनों पास वाले जंगल से पेड़ों को काट कर उनको बाजार में बेचकर जी रहे थे। नायक बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन लायक बहुत स्वार्थी था। एक दिन लायक की माँ बहुत बीमार पड़ गई थी। डॉक्टर ने आकर परीक्षा की और बोला, लायक तुम्हारी माँ के दिल में बहुत बड़ी समस्या है, तुरंत ऑपरेशन नहीं किया तो बहुत दिक्कत होगी, कम से कम 5 लाख तो तैयार रखो, जल्दी इस काम में लग जाओ, नहीं तो बाद में बहुत परेशानी होगी, कहकर निकल गया। ये बात सुनकर नायक, दोस्त सुना है माँ की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर आकर परीक्षा करके गए ना, ऑपरेशन करना है ना, ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, तुम्हारे साथ मुझे भी उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह ही देखभाल किया है, वैसे अभी क्या करना है उसका कुछ आइडिया है? करना क्या है, उनके ऑपरेशन के लिए 5 लाख का खर्चा होगा, कहाँ से आएंगे पैसे, उनकी उम्र हो गई है दोस्त, अभी उनपे इतना पैसा खर्च करना जरूरी नहीं है। बहुत गलत बात कर रहे हो, माँ के विषय में पैसों की बात कर रहे हो, चाहिए तो मैंने जो 1 लाख इकट्ठे किए थे ना वो दे दूंगा, तुम अपना घर और जमीन बेचकर बाकी के पैसे इकट्ठे करो, उनको जिंदा रखने की जरूरत तुम पे बहुत है दोस्त। क्या बे, मैं भीख मांगने वाला लग रहा हूँ क्या? वो मेरी माँ है, बेकार में मेरे घर के मामलों में मत घुस, वो जिंदा रहे या मर जाए तुम्हें क्या फर्क पड़ने वाला है, जाओ और तुम अपना काम करो। वहीं पर लेटी हुई लायक की माँ ये सब सुनकर बहुत दुखी हुई। तब उसके पास आकर नायक, माँ आप बिल्कुल दुखी मत होना, आपके सामने ऐसी बातें करना ठीक नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा, तुम बेफिक्र रहो। उन्हें सुनाई दिया या नहीं दिया उसे तुझे क्यों फर्क पड़ता है, जाओ हमारे घर के मामलों में दखल अंदाजी मत देना, जाओ। और नायक वहां से निकल गया। अगले दिन जंगल में जाते वक्त उसे एक स्वामी जी बेहोश मिला। उनके पैरों को देखा तो पता चला कि सांप ने काटा है। तुरंत नायक ने आसपास वाले पत्ते के रस को उस चोट पर लगाया। थोड़ी देर में स्वामी जी को होश आया। बेटा अनजाने में सांप का शिकार बन गया, सही वक्त पर आकर तुमने मेरी जान बचाई, भगवान तुम्हें सदा खुश रखे, ये लो इस छाते को अपने पास रखो, ये तुम्हारा भला करेगा, और उस छाते को दिया। नायक ने उस छाते को लिया, उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वहां से निकल गया। इतने में बहुत तेज हवा और बारिश होने लगी, तुरंत छाते को खोलकर अपने सर पर रखा। उस समय वहां बहुत लोग बारिश में भीग रहे थे, ये देखकर अरे रे सभी बारिश में भीग रहे हैं, उनको इस छाते के नीचे बुलाने का मन कर रहा है, लेकिन ये छाता तो बहुत छोटा है, क्या करूं समझ नहीं आ रहा है, सोचा, और वो छाता तुरंत बहुत बड़ा बन गया। ये देखकर वो चौंक गया, आइए आइए जल्दी आइए, सभी इस छाते के नीचे आइए, कहकर उन्हें बुलाया। वैसे पूरी जनता को उस छाते के नीचे आश्रय मिला। बाद में घर आकर सब कुछ अपनी पत्नी को जाके बताया। सच में लगता है ये जादुई छाता है। हाँ जादुई छाता ही लग रहा है, इसके सहारे बारिश के मौसम में सभी की मदद करूंगा, लेकिन लायक की माँ के बारे में सोचकर बहुत दुख हो रहा है, वो मेरी माँ के बराबर हैं, उनकी सहायता करने के लिए कम से कम 5 लाख चाहिए, लेकिन हमारे पास उतना पैसे नहीं है। और तुरंत उस छाते से 5 लाख रुपए उड़ते हुए बाहर निकले। ये देखकर दोनों को आश्चर्य हुआ। तब वो छाता, बेटा तुम जैसे निस्वार्थ आदमी के लिए मैं कुछ भी करूंगा, इन पैसों से उनका इलाज करवाओ। वैसे नायक लायक को पैसा देता है। बाद में लायक ये भी पता करता है कि उसे इतने पैसे मिले कहां से। वैसे अस्पताल में अच्छे इलाज के कारण वो ठीक हो गई और घर वापस आ गई। नायक उस छाते के सहारे गांव में बहुत लोगों की मदद करने लगा। ये देखकर लायक, इसको बहुत बढ़िया छाता मिल गया है, कुछ भी करके मुझे ये छुराना होगा और करोड़ों पैसा कमाना होगा, कहकर उस रात को नायक के घर से छाता चुराया।
घर पहुंचकर हा, 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 मैं अब इस दुनिया के सबसे धनवान आदमी बनने जा रहा हूँ। ओए जादुई छाते, मुझे तुरंत 1 करोड़ रुपए दे। बस ये सुनकर उस जादुई छाते से सांप, बिच्छू, जहरीले कीड़े बाहर निकले। वो उसका पीछा कर रहे थे और लायक उनसे दूर भाग रहा था। वो छाता वैसे उड़ते हुए जाकर नायक के हाथों में चला गया और वो जनता की मदद करते करते बहुत अच्छा नाम भी कमाया।